नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं लहरधाम घूमने के लिए। ये लहरधाम का मेन गेट है जो कि मड़ावरा से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए लहरधाम दिखाते हैं हम आपके लिए। लहरधाम जाने के लिए ये सिंगल वे है, यहाँ से जाते हैं। रास्ता खैर ठीक है गांव के हिसाब से। यहाँ से वैसे लहरधाम की दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर लहरधाम स्थित है। मड़ावरा से कितनी दूर है? हाँ, वही कुल मिला के आपको 5 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी मड़ावरा से यहाँ आने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं लहरधाम की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। मड़ावरा रूट मेन गेट से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर चलने पर ये नज़ारा दिखता है लहरधाम का, जो सामने दिख रहा है ये मंदिर है। आगे से हमें राइट लेना है जहाँ मंदिर पहुँच पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये लहरधाम का साइन बोर्ड लगा हुआ है। हम लहरधाम के मुख्य मार्ग पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर लहरधाम है। चलिए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये सामने गणेश भगवान की प्रतिमा है जो मेन गेट पर विराजमान है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका निर्माण अभी हुआ है, अभी इस पर कलर नहीं हुआ है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। इधर रखें दिखाएंगे। मंदिर पहुंच चुके हैं हम। माता संतोषी जी का मंदिर बना हुआ है और शंकर जी भी विराजमान है, प्रतिमा शंकर जी। चलिए आगे चलते हैं हम। काफ़ी मनमोहक दृश्य बनाया हुआ है, देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। मंदिर में पहली बार आए हैं, खास जानकारी नहीं है मंदिर के बारे में। हनुमान जी की प्रतिमा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। काफ़ी ऊंचाई भी है मंदिर की। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के। आइए मंदिर में चलते हैं अंदर। एक परिक्रमा लगाते हैं आप, ये दिखाना जरा कैमरे में, दिखाना। ये पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा यहाँ पे बनाई हुई है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है प्रतिमा। और मेहराबदार ये दरवाजे बने हुए हैं। पीछे का भी दृश्य भी काफ़ी मनमोहक है। ये देवी जी की प्रतिमा, भगवान गणेश, इसके बाद देवनारायण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये ओम बनाया हुआ है, हिंदू धर्म का प्रतीक। चलिए फाइनली मंदिर के दर्शन हमारे हो चुके हैं। आइए कुछ अन्य जगहों पर भी देखते हैं, हम घूमते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम से नज़ारा पर्वत की तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। ऊपर शंकर जी और कुछ बानर सेना भी है और कुछ सांप वगैरह भी बिठाए हुए हैं, त्रिशूल लगा हुआ है। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। काफ़ी बड़ा है मंदिर। और ये बैक साइड गेट का, मेन गेट का देख सकते हैं, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा लगाई हुई है। और आसपास में दो हाथी जो माता को फूल समर्पित कर रहे हैं। और इस तरफ ये यज्ञशाला बनी हुई है, धर्मशाला भी कह सकते हैं।
हमारे दर्शन हो चुके हैं और एक बार मैं आपको 360 का व्यू दिखाता हूँ मंदिर का। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये 360 का व्यू हो गया और ये मंदिर का बैक साइड है जो मैंने पहले भी बताया आपके लिए, लक्ष्मी देवी की प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी सुंदर है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।